जो आपने सूचना के प्रचार का बताया हाँ वो 6 करोड़ है, 600 करोड़ नहीं है, 600 लाख। जब हमने 600 लिखा था पढ़ लिया था, इस त्रुटि को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसमें 600 लिखा वाहनों के लिए इतना नहीं। अब आप जैसे गिनते हैं बोलते समय इकाई दुहाई, वैसे हमने नहीं गिना इसलिए आ गया। मास्टर बेरोजगारी, मैं बेरोजगारी पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो ये तो समस्या इस पर बहुत बांस हो गई है, बड़ी बात हो गई। एक चीज आ गया हमारे पर, काफ़ी आ गया आपका, और 50 राज्य बहुत थोड़ा बहुत। अरे आप जब वहाँ थे और मैं वहाँ था, आपको सबसे ज्यादा बोलते थे, आप इतने वरिष्ठ हैं, आज हम उपदेश दे रहे हैं। अरे हम वहाँ भी लाके देखें, वहाँ भी लाके देखें, हमारे नेता ने यहाँ बैठा दिया, यहाँ देखा, सब देखा हूँ। इसी तक कन्फाइंड रहना चाहिए। मैं अब जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं जानता हूँ मंत्री जी आपसे अनुरोध है सर, मैं ज्यादा नहीं करूँगा। बस मैं थोड़ा भ्रष्टाचार बोल चुका, बेरोजगारी पर जरूर बोलूंगा। अगर हम बेरोजगारी पर नहीं करेंगे, बेरोजगारी का भत्ता के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम जेल गए हैं, हमने लाठियाँ खाई हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं अपने कर्तव्यों से च्युत माना जाऊँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें, जैसे पहले कहा था कि बेरोजगारों के लिए कुछ करिए, आप ला रहे हैं, निवेश करा रहे हैं, तो ये हम लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 मिल रहा, हम भी रहे हैं मीसा में, मीसे में हम भी रहे हैं। तो मैं एक चीज बेरोजगारी पर आप जरूर उस पर ध्यान दें, कोई ना कोई तरीका निकाल रहे हैं। आपका निवेश आ जाएगा, जैसे आपने कल्पना की है, तो बहुतों को नौकरी मिल सकती है। दूसरा ये जो आप संविदा पर कर्मचारी रखते हैं, मानवर ये बहुत आउटसोर्सिंग से बहुत, हम जानते हैं कि बजटीय व्यवस्था के नाते, आर्थिक कमजोरी के नाते आप करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बजटीय व्यवस्था में आप संविदा पर जो आप देते हैं एनजीओ को, तो टेंडर डालता है, और जो टेंडर डालता है तो पा जाता है, तो पहले तो वो जो कमेटी या जो कंपनी कराती है या जो सरकारी विभाग कराता है उसकी सेवा में उसका चला जाता है। उसके बाद वो जो रोल देता है 8,000-7,000, तो उसमें भी 2,000 काट लेता है। इस पर आप देना चाहिए, संविदा को किसी तरह से खत्म करिए। संविदा हमेशा डर लगा रहा था, जिसके यहाँ काम करता है वो तो डांटता है और उनको लिख देता है चिट्ठी से वापस बुला लो। अब हम देखते हैं हमारे नगर पंचायतों में काम करते हैं, जब नगर अध्यक्ष नाराज हुआ लिख दिया इसको ले जाओ वापस, अब वो दौड़ के हमारे पास आते हैं, हमको निकाल दिया गया। तो इस संविदा पर कुछ अगर आप न पूरा कर सके तो ऐसी गारंटी करें कि इनको आउटसोर्सिंग, उसी आउटसोर्सिंग और संविदा दोनों को मैं कह रहा हूँ, सब आउटसोर्सिंग पर एक गारंटी कर दें कि ये निकाला ना जा सके। अगर आपने दे दिया तो काम करे, अगर वो काम में कोई ढिलाई है या कोई कंपनी उसकी शिकायत करती है काम नहीं कर रहा, जांच करने के बाद हटाया जाए, तुरंत चिट्ठी आती है उसे हटा दिया जाता है। मैं ये फिर आंकड़ा ले आए हैं, अब हम आपको आंकड़ा बता ही चुके हैं कि इसलिए इसमें मेरा वो है, टाइम भी हो गया, आंकड़ा रात शाम को अभी बताते हैं अंत होते समय, आप तो आंकड़ा सबसे ज़्यादा रखते हैं और वही आप सुनाते हैं। ये बेरोजगारी, बाढ़ सबसे बड़ी समस्या, और मुख्य रूप से जो तराई का बेल्ट है पीलीभीत से लेके जो आपका उत्तरी बेल्ट है वो बाढ़ से हमेशा पीड़ित हो, कारण कि ये नदियाँ नेपाल के से आती हैं और उसमें जब नेपाल पानी छोड़ देता है, नेपाल में कस के बारिश हो जाती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ से जो है वो हमारा पूरा बेल्ट पानी में डूब जाता है। तो उसमें एक योजना बनी थी, हालांकि वो खत्म हो गया, मैं बहुत यहाँ बोलता रहा, जलकुंडी योजना, भालू बांध योजना, ये जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ वहाँ तब इसकी समझौता हुआ था, आप इसे जानते होंगे, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। तो हम लोग जब आप बांध बनाने की कोशिश करते हैं बॉर्डर पर, तो नेपाल अवरोध करता, मैंने बहुत बार कोशिश करी, शिवपाल जी भी थे, हम लोग नेपाल गए
नेपाल के सिंचाई सिक्योरिटी से बात हुई, वो हमको बॉर्डर पर बांध नहीं बनाने देते हैं। कहते अगर आप बॉर्डर पर बांध बना देंगे तो हमारा देश बड़ी संख्या में किनारे वाला डूब जाएगा, तो वहाँ बांध बनाने नहीं देते। और यहाँ बांध की जो प्रक्रिया है, आपने जितना बहुत बांध है, आपसे मंत्री जी मेरी बात हुई है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, रुपया भी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं है। आप गुणवत्ता पर ध्यान करिए, ये सब ठेकेदार टेंडर ले लेते हैं, एक फिर सब लेट कर देते हैं और वो काम होता नहीं है। हम लोग इंजीनियर से कहते हैं, मैं कितनी बार आपसे भी कहा, आपको चिट्ठी भी लिखा है कि नरेगा का पैसा बिना खर्च के निकाला गया और वो पैसा निकल गया। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए आपको अब वो तमाम कमीशन है, उस कमीशन का हाथी कमीशन क्या क्या कमीशन है, मैं उसके बारे में चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, बाढ़ के बारे में क्या कहा है। लेकिन एक मैं कहना चाहूँगा, इस बाढ़ को रोकने के लिए आप एक कमेटी बना के कैसे भी इसको रोके। जल जीवन सर, अब खेतों की रुपाई हो गई थी, पानी भर गया, खेत का फसल चला गया, बीज भी नहीं पा रहे, कहीं बीज भी नहीं ला के फिर से उसकी रुपाई कर दें। और जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले वहाँ तोड़ के दिया जाता था ना बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों को, अब आपने किट बना दिया, अब किट में भर के गया है। मैंने खुद किट खोलवा के नाप कराई है, आलू कम मिला, वो आटा नहीं नपुआ था, चावल कम मिला, सब में दो दो ढाई ढाई सौ ग्राम कम मिले, चना भी कम दिया। अच्छा, वो चूंकि किट के अंदर जो थे उसको तो उन्होंने बिल्कुल, मैंने SDM से कहा कि पैसा तो लेगा इतना ही है, तो आपकी जिम्मेदारी है किट को देखो, किट को खोल के देखते नहीं, बना बना आ गया, गिन के दे दिया। और बाढ़ में आपने ये आपका जो किट है इसकी भी जांच करा रहे हैं, बहुत बड़ा रकम इसमें जाता है, चला जाएगा। अगर आप 250 ग्राम एक आटे में मानते हैं, एक गाँव में 300 बटता है, तो बताए कई किलो चला गया इस तरह से। और पैसा वो ले लिया और सामान दिया ना, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात है सर, अब समय काफी हो रहा है, थोड़ा सा बस मैं खत्म कर देना, अच्छा नहीं है बस, ठीक है। आपने कह दिया ना, बाढ़ बता दिया। माननीय मंत्री जी, एक बाढ़ का गांव, आपसे कई बार कहा, 74 करोड़ की एक बनी थी, उसमें पुनर्निर्माण के लिए 16 गैप है हमारे क्षेत्र का, 2500-300 गांव डूब गए हैं, फसल चलेगी हर साल जाता। पिछले साल बड़े होशियार थे, सब बीमा कराए, तो बाढ़ नहीं आया, बीमा भी चला गया, खेत भी नहीं बैठाया कि बीमा पा जाए, इस साल सब चला गया। तो जो 12 गैप है, 74 करोड़ रुपए की आपसे मांग की गई थी, 5 करोड़ आपने दिया, 12 करोड़ पहले दिया, 5 करोड़ बाद में दिया, 17 करोड़ दिया, तो 17 करोड़ में नहीं हो पा रहा। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आपका अलग से बजट लेने की जरूरत है, आपके बजट में इसका प्रावधान होगा, रुपया देके बंदा ठीक करा दीजिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको क्या कहूँगा, अच्छा खत्म करने का, अब ये कह रहे हैं लोकतंत्र सेनानी, आप तो गए नहीं थे, मैं तो गया था, अब गए नहीं थे, जेल में थे, मेरे सारे बैल घावा कुल कुल करा दिया था गुस्से में आके पुलिस कप्तान ने, और हम बहुत झेले। और ये परंपरा माननीय, मैं मुलायम सिंह जी को, मैं मुलायम, आप लोगों में भी बहुत लोग हैं, ऐसा ना समझो हम ही लोग हैं, बहुत मान्यवर, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने ये योजना शुरू की थी और 500 से शुरू हुआ था, आज पिछले साल आपने 5000 बढ़ा दिया था, 20000 था, 25000 हो गया, अब इस पर भी कुछ बढ़ाने के लिए आप सोच ले, क्योंकि हम लोग तो MLA हैं, लेकिन जो गरीब हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, जिनके बेटे उनको पूछते नहीं हैं, जो अपने घर में बैठे इसी, यही आपका लोकतंत्र सेनानी का पैसा उन्हें घर में सम्मान दिलाता है, उनकी बात करता है। अब एक आंकड़ा सुना देते हैं, आप तो आंकड़ा पढ़ाएं, ये हमारा प्रदेश आंकड़ों के अनुसार IPC क्राइम में देश में प्रथम स्थान पर, IPC SLL अपराध में देश में प्रथम स्थान, हत्या के अपराधों में वर्ष 2022 में देश में प्रथम स्थान, महिला अपराध में देश में प्रथम स्थान, अपहरण में देश में प्रथम, 22 का आंकड़ा है, 22 का आज का नहीं, अनुसूचित जाति के अपराधों में देश में प्रथम स्थान,
हत्या के अपराधों में देश में प्रथम स्थान, बलात्कार के अपराधों में वर्ष 2022 में देश में दूसरा स्थान, एशियल क्राइम में देश में द्वितीय स्थान पर, आर्थिक अपराधों के मामले में देश में दूसरा स्थान, बच्चों के अपराधों में देश में तीसरा स्थान, साइबर अपराधों देश में मनोरी आंकड़ा जो LCRB 222 का वही मैंने पढ़ा है, अगर इसमें सुधार होगा तो आप बता देंगे नहीं ये इतना सुधर गया। फिर मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि अपराधी आप बहुत कहते हैं, अभी तो आप बड़े जोर गुस्से में होंगे कि समाजवादी पार्टी में सब अपराधी हैं मान्यवर, उस दिन आपने दो आदमियों का नाम लिया था, इसलिए मैं आपको भी जताना चाहता हूं ये जो इलाहाबाद में छोड़े गए हैं ये कहाँ है, किस पार्टी से संबंधित, जौनपुर में जो अपराधी घूम रहे हैं किससे संबंधित, बहुत से अपराधी हैं जो कई आपके पार्टी में भी होंगे हम नहीं कहते, तो इस पर जरा आप विचार करिए, हमको तो आप जेल भेज देते हैं और उन लोगों को पूछते नहीं हैं, इस पर समान और रखिए। एक चीज कहके खत्म हो, माननीय बस दो मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी, सद्भाव के बगैर विकास संभव नहीं, हमारा पारस्परिक सद्भाव हमारे विकास का रास्ता प्रशस्त करता, अब सद्भाव नहीं रह पा रहा है, टूट रहा है। अब आप देखिए कांवड़ लेके आ रहे थे, वो आपने कांवड़ियों के लिए बड़ा इंतजाम किया लेकिन वो जल गए, इस पर ध्यान होना चाहिए था क्यों जले। दूसरी तरफ जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो ताजिया निकालते हैं, और हमारे पूरब में तो हिंदू ज़्यादा निकालते हैं, मुस्लिम ज़्यादा ताजिया निकालते हैं, आपने उनकी ताजिया को 12 फीट कर दिया, उनकी आस्था पर चोट पहुँचा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा इस सद्भाव को बनाने में आप विचार करें और सद्भाव को बढ़ाने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय का आभास है, ऐसे आपको बोलना था कांग्रेस की तरफ से, तो राजनाथ जी कहीं 2-3 मिनट में आप अपनी बात, वो बाद में, समय तो अब है नहीं, देखते हैं होएगा, क्योंकि एक एक पार्टी से है ना, तो बाद में समय तो अब बच नहीं रहा हमारे हाथ में, तो 2-3 मिनट में अपनी बात कर ले, अनुपूरक ही है। बिल्कुल माननीय प्रतिष्ठाता महोदय, मालूम है मुख्यमंत्री जी का को जाना है, पहले भी बताया थे अध्यक्ष जी ने, ज़्यादा समय नहीं लूँगी और ज़्यादातर बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष ने रख दी हैं, मैं कुछ बातें, क्योंकि ये बजट जो अनुपूरक आया है 12,909 करोड़ का, और इसमें मुख्यतः तीन जो बड़े पैसा दिया गया है वो तीन विभागों को दिया गया है। सबसे पहले तो ये प्रश्न यही है कि इस जिस बजट को अभी हम इसके पहले पूर्ण बजट लाए थे, सबसे बड़ा बजट बताया था सरकार ने, अभी तक